हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। मैं हूं विशाल और आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु के बारे में मोस्ट 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जाने हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो कर लेंगे तो आपके धातु और अधातु के बारे में जितने भी कंसेप्ट हैं सब क्लियर हो जाएंगे और जो आपके आने वाले पेपर हैं, एग्ज़ाम है, उनमें ये क्वेश्चन मेनली आपको देखे जाएंगे। इनसे रिलेटेड आपको हो सकता है एक आध क्वेश्चन बाहर देखने को मिले, लेकिन इनके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि धातु और अधातु क्या होती है। तो धातु वह तत्व होते हैं जो सरलता से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं। जो धातुएं होती है वो विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक होती हैं, है ना। वहीं दोस्तों, अधातु होती है ये भंगुर तथा चमकहीन होती हैं, इनमें अपनी चमक नहीं होती। ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी जो धातु होती है उनमें तो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, अगर हम उनमें करंट छोड़ेंगे तो वो करंट पास हो जाएगा। लेकिन जो अधातु होती है उनमें करंट और ऊष्मा ये पास नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली धातु कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑक्सीजन। दोस्तों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द्रव अवस्था में मिलने वाली सबसे अधिक अधातु कौन सी है। द्रव अवस्था में सबसे ज़्यादा मिलने वाली अधातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, ब्रोमीन। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके की होती है ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु है एकमात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी के भूगर्भ में मिलने वाली सबसे अधिक धातु कौन सी है। यानी दोस्तों, जो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु मिलती है वो कौन सी है, तो इसका भी दोस्तों राइट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। ये जो है दोस्तों ऑक्सीजन, ये पृथ्वी की सतह में काफ़ी पाई जाती है, यानी ये मानव शरीर में भी सबसे अधिक पाई जाती है और पृथ्वी का जो भूगर्भ है यानी पृथ्वी की जो सतह है उसमें भी सबसे अधिक पाई जाती है। इनफैक्ट ये पूरी पृथ्वी पर ही सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला खनिज कौन सा है। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला खनिज है बी, ब्रिजमेनाइट। दोस्तों, कुछ इस तरीके का होता है ये ब्रिजमेनाइट, देखिए, और ये पृथ्वी पर सबसे अधिक मिलने वाला खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी, चांदी। दोस्तों, क्योंकि चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु होती है, क्योंकि अभी हमने जाना था कि सुचालक का मतलब होता है जिसमें अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो चांदी है उसमें बहुत अच्छी तरह से और स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत और ऊष्मा की सबसे अधिक कुचालक धातु कौन सी है। पहले हमने पढ़ा था दोस्तों सबसे अच्छी सुचालक धातु, अब विद्युत और ऊष्मा की सबसे अधिक कुचालक धातु कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, शीशा। शीशे को माना जाता है विद्युत और ऊष्मा की सबसे अधिक कुचालक धातु, क्योंकि अगर आप शीशा रखोगे और आप वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो शीशे में पास नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुएं किसके कारण चमकती है। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातुएं किसके कारण चमकती है। ए, ठोस होने के कारण, बी, चमकीली होने के कारण, सी, परिवर्तन के कारण, और डी, सफ़ेद होने के कारण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, परावर्तन के कारण। कोई भी चीज़ दोस्तों धातुओं में, जब वो कोई चीज़ धातु पर टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होकर कहीं और उसकी छवि बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो धातुएं जो होती है वो परावर्तनीय होती हैं और ये रिफ्लेक्शन के कारण चमकती है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह का होता है रिफ्लेक्शन, आपने कई जगह देखा होगा ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? इसका आंसर बताइए दोस्तों आप, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ए पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी लिथियम या डी सोडियम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लिथियम, सी लिथियम। दोस्तों हमारे पृथ्वी पर मिलने वाली सबसे हल्की धातु है जो प्रचुर मात्रा में हमारे पृथ्वी पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? ठीक है दोस्तों, दुनिया की सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शन ए इरिडियम, बी ऑस्मियम, सी केवल इरिडियम या फिर डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, ए और बी दोनों, यानी इरिडियम और ऑस्मियम, ये दोनों ही हमारे पृथ्वी की सबसे भारी धातु मानी जाती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा भारी धातु होती है इरिडियम। अगर आपके क्वेश्चन में सबसे पहले इरिडियम हो तो आप इरिडियम पे क्लिक करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में इरिडियम ना हो तो आप उसके बाद ऑस्मियम पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे महंगी धातु कौन सी है? दुनिया की सबसे महंगी धातु कौन सी है? ए हीरा, बी सोना, सी रोडियम या डी प्लैटिनम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी रोडियम। दोस्तों रोडियम को दुनिया की सबसे महंगी धातु माना जाता है, ना हीरा ना सोना और ना प्लैटिनम, सबसे ज़्यादा महंगी धातु होती है रोडियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे कठोर धातु कौन सी है? ए हीरा, बी सोडियम, डी प्लैटिनम, सॉरी सी प्लैटिनम और डी लोहा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी प्लैटिनम। दोस्तों प्लैटिनम हमारी पृथ्वी पर सबसे कठोर धातु है जिसको मतलब तोड़ा नहीं जा सकता। आज तक तो हमने सुना है कि मतलब पृथ्वी की सबसे अधिक कठोर धातु हीरा है, लेकिन हीरे से भी अधिक कठोर धातु है प्लैटिनम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया की सबसे सॉफ्ट और मुलायम धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दुनिया की सबसे सॉफ्ट और मुलायम धातु है सोडियम और पोटेशियम दोनों, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ए और बी दोनों। दोस्तों जो सोडियम और पोटेशियम होती है ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है कि आप इनको चक्कू से काट सकते हो, जो आपका नाइफ होता है आप उसको नाइफ से काट सकते हो। ठीक है, तो ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इटाई रोग किस धातु की कमी के कारण होता है? तो आपके पास ऑप्शन है ए आयरन, बी कैडेमियम, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी कैडेमियम, यानी दोस्तों हमारे शरीर में कैडमियम पाया जाता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारे शरीर में एक इटाई नाम का रोग हो जाता है। दोस्तों कुछ इस तरीके की होता है कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शरीर में उपस्थित इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु होती है? शरीर में उपस्थित इंसुलिन हार्मोन में कौन सी धातु होती है? ए सल्फर, बी जिंक, सी कैल्शियम या डी पोटेशियम। तो दोस्तों हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन होता है इसमें हमारी धातु होती है जिंक। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर के इंसुलिन हार्मोन में जिंक धातु पाई जाती है और ये कुछ इस तरीके की होती है। देखिए दोस्तों ये होता है जिंक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मेटल ऑफ होप यानी आशा की धातु किसे कहा जाता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए यूरेनियम, बी प्लैटिनम, सी पारा और डी कैल्शियम। ठीक है, इसका राइट आंसर है दोस्तों ए यूरेनियम। दोस्तों यूरेनियम जो है वो हमारी मेटल ऑफ होप है यानी आशा की धातु है। इसको आशा की धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही कम है और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी आगे भविष्य में जाके ये लुप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्यूचर मेटल भविष्य की धातु किसे कहते हैं? तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए हाइड्रोजन, बी टाइटेनियम, सी वाइब्रेनियम या डी ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी टाइटेनियम। दोस्तों टाइटेनियम को फ्यूचर मेटल कहते हैं, यानी जो हम भविष्य में इस्तेमाल करने वाले हैं आगे जाके उसको कहते हैं फ्यूचर मेटल, है ना। और जो हमारी फ्यूचर मेटल है वो है टाइटेनियम। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी टाइटेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केवल कौन सी अधातु चमकीली होती है? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि धातुएं तो चमकीली होती हैं लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती, उनमें चमकहीन होती हैं वो। तो दोस्तों लेकिन अधातुओं में भी एक ऐसी अधातु है जो चमकीली होती है। तो आपके पास ऑप्शन है दोस्तों, ए हीलियम, बी आयोडीन, सी कार्बन और डी सल्फर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए
सॉरी बी आयोडीन। दोस्तों आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु होती है जो चमकीली होती है, यानी अगर हम उस पर कोई प्रकाश उस पर प्रकाश मारेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके कहीं और चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? दोस्तों सबसे शुद्ध लोहा बताना है, ए कच्चा लोहा, बी डलवा लोहा, या सी पिटवा लोहा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी पिटवा लोहा। दोस्तों जो हमारा पिटवा लोहा होता है वो सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। अच्छा दोस्तों, सबसे शुद्ध लोहा यानी जो टर्म लिखी है सबसे शुद्ध लोहा, ये किस बेस पे लिखी है? तो सबसे शुद्ध लोहा इस बेस पे नापा जाता है, उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो कच्चा लोहा होता है उसमें कार्बन की संख्या सबसे अधिक होती है ना, ढलवा लोहा में उससे कम होती है, और जो पिटवा लोहा होता है उसमें सबसे कम होती है कार्बन की संख्या, यानी जिस लोहे में कार्बन की संख्या सबसे कम होगी वो सबसे शुद्ध होगा। तो इसका राइट आंसर है सी पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तांबे पर कौन से रंग का जंग लगता है? ठीक है दोस्तों, तांबे पर कौन से रंग का जंग लगता है? ए लाल, बी नीला, सी हरा, और डी सफ़ेद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी हरा। दोस्तों जो हमारा तांबा है उस पर हरे रंग का जंग लगता है, आप देख सकते हैं पहले ये एकदम चमकीला था, अब इस पर कुछ इस प्रकार का हरे हरे रंग का ये हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे तांबे पर हरे रंग का जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चांदी पर जंग किसके कारण लगता है? दोस्तों चांदी पर जंग किसके कारण लगता है? ए कार्बन, बी हाइड्रोजन सल्फेड, सी नाइट्रोजन, या डी इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी हाइड्रोजन सल्फेड, यानी जो हाइड्रोजन सल्फेड है उसी के कारण दोस्तों चांदी पर जंग लगती है। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन इतने ही थे, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।